हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इन्वेस्टिंग विद हरदीप में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नई वीडियो और एक नए अपडेट में। अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट की है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि जितनी भी वीडियोज मैं अपलोड करूँ आप लोगों तक नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले पहुँच जाए। बात करेंगे आज की वीडियो में MMTC लिमिटेड की, जिसमें लगातार हम लोगों को तेजी देखने को मिली है। लगातार 4 दिन से स्टॉक में बड़ी तेजी है और आज के दिन में भी 6% के आसपास का उछाल रहा है। 80 रुपीज के लेवल तक स्टॉक गया, उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग स्टॉक में आती हुई देखने को मिली। जहां लास्ट क्लोजिंग 70 रुपये 55 पैसे पे थी, वहीं आज 6% से ऊपर के उछाल के साथ में 75 पे जाके स्टॉक की क्लोजिंग हुई है। 5 दिन में 35% के रिटर्न जो है ऑलरेडी MMTC लिमिटेड बनाकर दे चुका, काफी बड़ा उछाल है। देखिए 5 दिन पहले स्टॉक का प्राइस था 55 रुपये 60 पैसे और आज वही स्टॉक 75 रुपये के आसपास पहुंच चुका है। शॉर्ट टर्म में बड़ी तेजी रही स्टॉक में। 1 महीने की अगर बात करें तो 22% के आसपास के रिटर्न हैं, जबकि 6 महीने का जो डाटा है 150%। 6 महीने में 150% रिटर्न, काफ़ी बढ़िया मल्टीबैगर रिटर्न आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि 6 महीने में परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है। 29 रुपये 95 पैसे से बढ़कर 75 रुपये के आसपास स्टॉक पहुँच चुका है। 1 साल की बात करें तो 113% रिटर्न है और इस लेवल को जो स्टॉक ने ब्रेक ही किया तो ये एक रेजिस्टेंस जोन था। इस रेजिस्टेंस को जो स्टॉक ने ब्रेक करके एक नए हाई की तरफ जो है अपनी रैली दिखाना स्टार्ट कर दिया। बाउंड वीक हाई 79 रुपये 95 पैसे का, जो कि स्टॉक ने आज के दिन में ही लगाया है। 5 साल की बात करें तो 165% रिटर्न बनाकर दिए, जबकि मैक्सिमम रिटर्न में देखेंगे आप तो 93% के आसपास की बड़ी करेक्शन है। क्योंकि एक टाइम पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो लिस्टिंग रेट थी 1175 रुपये का शेयर था 8 जनवरी 2010 को, और उसके बाद से आज वही स्टॉक देख सकते हैं आप कितने बुरे तरीके से क्रैश हुआ था इन लेवल्स पे। 14 से 15 रुपये के लेवल पर स्टॉक आया और वहां से एक रिकवरी मोड जो है MMTC में हमें दोबारा से देखने को मिल रहा है। अपडेट की अगर बात करें तो MMTC शेयर्स रैली 43% इन 4 सेशंस, कैन दिस अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू। द स्टॉक शोड 13.11% टू हिट अ 52-week हाई ऑफ 79.90 एट दिस प्राइस। द काउंटर हैज़ रैलीड 42.70% इन द लास्ट 4 डेज। ऑन BSE अराउंड 92.79 लाख शेयर्स चेंज हैंड्स टूडे। द फिगर वॉज मोर देन 5 टाइम्स हायर देन द 2-week एवरेज वॉल्यूम ऑफ 18.46 लाख शेयर्स। यानी कि आज के दिन में ऑलमोस्ट 92 लाख शेयर्स ने हैंड चेंज किया है और फिगर जो है ऑलमोस्ट 5 गुना ज़्यादा है किससे, 2 हफ्ते के जो एवरेज वॉल्यूम है ऑलमोस्ट 18.4 लाख शेयर से, उससे 5 गुना ज़्यादा यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है। ऑन टेक्निकल सेटअप देखें तो सपोर्ट ऑन द काउंटर कुड बी सीन एट 69 फॉलोड बाई ₹65। तो पहला सपोर्ट यहाँ पे 69 का है, अभी करंट स्टॉक प्राइस 75, 69 इज द फर्स्ट सपोर्ट एंड सेकेंड सपोर्ट इज 65। ऑन द फ्लिप साइड रेजिस्टेंस मे बी सीन बिटवीन 84 एंड ₹90 लेवल्स। तो 84 से ₹90 के बीच में स्टॉक में हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। द स्टॉक हैज़ अ 1 ईयर बेटा ऑफ 1.3% इंडिकेटिंग हाई वॉलीटिलिटी। तो स्टॉक के अंदर वॉलीटिलिटी जो है बहुत हाई है, क्योंकि एक बड़ा मोमेंटम स्टॉक में ऑलरेडी 4 दिन के अंदर 42 से 43% के आसपास के रिटर्न जो है ये स्टॉक इन्वेस्टर्स को बनाकर दे भी चुका है। अगर आप बैंक निफ्टी निफ्टी के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं, ट्रेडिंग से डेली का 3 से 4 हज़ार तक का प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, साथ में स्टॉक्स रिलेटेड अपडेट्स रेगुलर पाना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मेरे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जिस पर मैं डेली 1 से 2 डेमो कॉल देता हूँ और इस 1 से 2 डेमो कॉल से आप प्रॉफिट प्लस लर्निंग दोनों ही कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दूसरे अपडेट की बात करें तो देखिए इंक्रीज इन वॉल्यूम आज का ही अपडेट है 13 तारीख का, और वॉल्यूम में एक बहुत बड़ा मोमेंटम देखने को मिल रहा है स्टॉक के अंदर। अगर आज टोटल वॉल्यूम की हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वॉल्यूम रहा है आज के दिन का काफ़ी हैवी वॉल्यूम है, ऑलमोस्ट 1 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम है, जिसमें से 20,82,000 के आसपास की 20% के आसपास की डिलीवरी जो है वो हमें MMTC शेयर में देखने को मिली है। तो इस स्टॉक को रडार पे रख सकते हैं, शॉर्ट टर्म में रिटर्न्स बनाने के लिए काफ़ी अच्छा है। और कहीं ना कहीं गिरावट अच्छी खासी रही, अपने रीजंस रहे थे स्टॉक के उस टाइम जब स्टॉक में करेक्शन रही 2010 के आसपास, और अभी अपने कंपनी ने Q2 के नंबर्स जो है अभी तक पेश नहीं किए हैं। तो Q2 के नंबर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 69 फर्स्ट स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं और फर्दर 80 से 82 रुपये के टारगेट्स करंट लेवल से स्टॉक में देखे जा सकते हैं।